उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सरकार, इसे उखाड़ फेंकना होगा। सांसद कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने काठोड़ी पहुंचकर जन आक्रोश यात्रा में भरा जोश। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसलमेर विधानसभा की निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के सातवें दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी काठोड़ी गांव पहुंचकर यात्रा व कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समस्याओं से सब आमजन जागरूक है, लेकिन यह बहरी व गूंगी सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार व कुशासन के कारण आम जनता त्रस्त है। सरकार को आने वाले समय में जनता को जवाब देना होगा, नहीं तो यह जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा ने इस यात्रा के उद्देश्य व कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंच पर विधानसभा प्रभारी सुभाष गहलोत, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश पवार, पूर्व विधायक सौंग सिंह भाटी, सुरेंद्र सिंह बडोड़ा गांव, संयोजक हाथी सिंह बुलाना, जिला संयोजक सवाई सिंह गोगली, महामंत्री सुशील व्यास, चुक सिंह सोडा, कुणाल सिंह अड़वाला, हिम्मत चौधरी, मंत्री कवराज सिंह चौहान व पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा अपने रथ व कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ सुबह बालेटा धाम से रवाना होकर बाकलसर, मोहनगढ़, काणोद, हड्डा, देवा, काठोड़ी, भरमसर व बड़ाबाग होते हुए जैसलमेर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद आज शनिवार को जिले के सोडान क्षेत्र में जाएगी। जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा ने बताया कि एक और यात्रा का लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी जनसमस्याओं से अवगत करा रहे हैं। यात्रा में ओबीसी महामंत्री अमर सुथार, ओम छत्रेल, ओम सेवक, पूर्व प्रधान करुणा कंवर, ग्वालदास, आमजन व आम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डेजर्ट स्टॉर्म ब्यूरो रिपोर्ट।